लड़की को फ्लर्ट करने की एक से एक वीडियो देखी होगी, लेकिन तुम्हारे भाई ने ये सबसे अलग बनाई है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है तुम्हारे लिए, कि किस तरह से तुम अनजान लड़की को फ्लर्ट कर सकते हो ताकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। देखो, ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, इससे मैंने ना तो कभी बात की थी और ना मैं इसको जानता हूँ, लेकिन मैं इसकी पोस्ट वगैरह देखता था, स्टोरी वगैरह देखता था। तो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया, मैंने इससे हाय हेलो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया, मैंने कहा अरे यार। तो इसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा रुको धड़कन थम सी गई है। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, इसने कहा क्यों क्या हुआ, मैंने कहा इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है यार। तो इसने कहा मतलब, तो मैंने कहा मतलब इतनी प्यारी क्यों हो तुम, तुम्हारी डीपी देखकर सांसें थम सी गई। तो ये सुनकर मुस्कुराने लगी, इसने कहा पागल। मैंने कहा क्या ये डीपी मुझे सेंड कर सकती हो आप। तो इसने कहा क्या करोगे, मैंने कहा मेरी नज़र ही नहीं हट रही आपसे, मैं क्या करूं, देखता रहूंगा बस तुम्हें। तो इसने कहा इतने भी प्यारे नहीं हैं जी हम, और मुस्कुराने लगी। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारी सादगी है, मैं तो तुम्हें देख कर ही मदहोश हो गया यार। तो इसने कहा लाइन मार रहे हो। तो ये समझ गई थी, लेकिन देखो किस तरह से मैंने टॉपिक चेंज किया और इसको पता भी नहीं चला कि मैंने इसकी बात को पलट कर और यहाँ पर इससे फिर से फ्लर्ट करने लगा। मैंने कहा काश मार पाता, तुम जैसी प्यारी लड़की सामने हो तो किसी का भी दिल फिसल जाएगा, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी लड़कों को तो हर लड़की से प्यार हो ही जाता है। तो देख लो भाई कितने बदनाम हैं हम लोग, यहाँ पर हमारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं होती और लड़कियों को लगता है कि हम कितनी सारी गर्लफ्रेंड लेकर बैठे हैं। मैंने कहा हर लड़की से प्यार नहीं होता, वो हर लड़की पर ट्राई करते हैं कि एक ना एक तो पटेगी ही, लेकिन सब पर लाइन मारने के चक्कर में एक भी नहीं पटती। तो ये सुनकर ये हंसने लगी, इसने कहा इतना भी सच नहीं बोलना था। मैंने कहा नहीं, झूठ बोलकर क्या फ़ायदा, मैं तुमसे बोलूँ कि नहीं जी, मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं है, हम सब लड़कियों की तरफ देखते हैं कि कोई तो पट जाए, लेकिन लड़की तो पटती नहीं है, फिर सीधा शादी की उम्र ही हो जाती है। तो ये सुनकर ये जोर से हंसने लगी, इसने कहा हद है यार, तो मुझसे पहले किस किस को बोल चुके हो ये बात। तो यहाँ पर मैंने इससे कहा था ना कि हर लड़की पर ट्राई करते हैं, तो ये उसी टॉपिक पर पूछ रही थी कि मतलब मुझसे जो बात बोल रहे हो अभी तक कितनी लड़कियों से बोल चुके हो। मैंने कहा देखो लाइन तो बहुत लड़कियों पर मारी है, लेकिन खूबसूरती की तारीफ पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तो इसने कहा ओह शुक्रिया। तो मुस्कुराकर कहने लगी तो पटी आज तक कोई लड़की। तो मैं हंसकर कहने लगा बात ही कर ले कोई, वही बड़ी बात है। तो यहाँ पर यह हंसकर कहने लगी कुछ ज़्यादा ही खुलकर अपनी इंसल्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर लड़की के सामने हम अपनी थोड़ी बहुत इंसल्ट कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, इससे ये साबित हो जाता है कि बंदा दिल का साफ है, कि अपनी बुराई कर रहा है खुद ही। लड़की को इस बात से हंसी आती है कि कितना फनी बंदा है, और इससे वो काफ़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाती है। तो मैंने कहा जो सच है वो है, क्या फ़ायदा तुम्हारे सामने फेंकने से, अब मैं तुम्हारे सामने लंबी लंबी फेंकने लगूँ और तुम मेरी दोस्त बन भी जाओ, लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है, बाद में बात खराब होने से अच्छा है ना कि शुरू में ही सब सच बोल दो। तो ये मुस्कुराकर कहने लगी वैसे एक बात तो है। मैंने कहा क्या, दिल साफ है तुम्हारा, दिल के बुरे नहीं हो। तो देखो यहाँ पर होने लगी ना इम्प्रेस, तो ऐसी बातें करोगे ना, इस तरह की चैट करोगे तो कोई भी लड़की काफ़ी आसानी से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन लड़के कहते हैं कि हमसे थोड़ी बहुत लड़की बात करती है फिर बात ही नहीं करती। भाई तुम्हारे करतूतों पर बात नहीं करती, क्योंकि तुम पर बात करनी नहीं आती, तुम डायरेक्ट उसको प्रपोज करने लगते हो, उल्टी सीधी बातें करने लगते हो, तो इसीलिए लड़की इग्नोर करने लगती है। लेकिन भाई बातों में एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, उसी से तो लड़की बात करेगी, उसी से इम्प्रेस होगी। जब बातों में एंटरटेनमेंट ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, कौन लड़की हमें मुंह लगाएगी। क्योंकि आज के वक्त में ना हर किसी को एंटरटेन चाहिए, देखो रोने धोने में तो सभी लोग लगे रहते हैं, लेकिन एंटरटेन बहुत कम लोगों के पास होता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही सजेशन देता हूँ और आज भी दूंगा कि जब भी किसी लड़की से बात कर रहे हो तो फनी बातें करो, एंटरटेनिंग बातें करो, ना कि बोरिंग टॉपिक पर, ठीक है। तो जब इसने कहा ना कि दिल के साफ हो, तो मैंने कहा अच्छे बुरे का तो पता नहीं, बस मुंह फट हूँ मैं, सही को सही गलत को गलत मुंह पे बोल देता हूँ, भले किसी को बुरा लग जाए। तो इसने कहा हाँ तो ये तो अच्छी आदत है ना, उससे तो अच्छा है लोग दिल में गंदगी रखते हैं और बाहर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं, ये कहकर मुस्कुराने लगी। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ जी, मेरी इसी बात को लेकर लड़कियों से भी बहुत कम बनती है। तो इसने कहा अच्छा जी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा सोचती हूँ, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो साफ बात बोलते हैं। तो मैंने कहा थैंक यू यार, डीपी दे दो, मेरा दिल धड़का रही है तुम्हारी डीपी। तो मुस्कुराकर कहने लगी ऐसे ही देख लो।
मैंने कहा ऐसे मन नहीं भर रहा, अपनी स्क्रीन पर लगाऊंगा वॉलपेपर। तो इसने ये शोक वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा पागल हो, किसी ने देख लिया तो? तो मैंने कहा मेरा मोबाइल कोई नहीं लेता। तो इसने कहा फिर भी किसी ने देख लिया घर में तो? मैंने कहा नहीं यार कोई नहीं लेता, बस दोस्त देख लेते हैं मेरा मोबाइल कभी कभी। तो इसने कहा हाँ तो दोस्तों ने ही देख लिया तो? तो मैंने कहा बोल दूंगा तुम्हारी होने वाली भाभी है। तो ये सुनकर ये कहने लगी हप, देखो इसको बुरा नहीं लगा, अगर इसको बुरा लगता तो ये गुस्सा होने लगती, कहने लगती कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो, या इग्नोर करने लगती या ब्लॉक कर देती। लेकिन इसको मेरी बातों में मज़ा आ रहा था, जिस तरह से मैंने इससे चैट की तो ये काफ़ी हद तक मुझसे इम्प्रेस हो गई। तो डायरेक्टली मैंने प्रपोज तो नहीं किया, मैंने कहा कि बोल दूंगा कि तुम्हारी होने वाली भाभी है। तो यहाँ पर इसको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बस इसने ये बोला कि हप। तो मैंने कहा तो क्या बोलूँ? तो इसने कहा ओनली फ्रेंड। तो लड़की अगर इतना इम्प्रेस होने के बाद ये बोल रही है ना कि ओनली फ्रेंड, तो समझ जाओ वो अभी तुम्हें और ज़्यादा समझना चाहती है। तुम्हें अच्छी तरह समझने के बाद तुम किस तरह के लड़के हो, उसको फ्लर्ट करने के लिए, उस पर लाइन मारने के लिए, टाइम पास के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ये सब बोल रहे हो, या उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए ये सब बोल रहे हो। जब वो तुम्हें अच्छे से समझ जाएगी उसके बाद ही तुम्हारे साथ वो रिलेशन में आएगी। तो इसने कहा ना ओनली फ्रेंड, अभी तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मतलब देखो ये कह रही है अभी तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, आगे चांसेस हो सकते हैं हमारे। मैंने कहा जानने में क्या रखा है, जान पहचान बढ़ाने में टाइम ही वेस्ट होता है, इतने दिन में तो ब्रेकअप भी हो जाएगा। तो ये सुनकर हंसने लगी। इसने कहा अभी से ब्रेकअप भी कर लिया, रिश्ता जुड़ने से पहले ही? मैंने कहा हाँ, क्योंकि प्यार में लोग झूठी कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, और जो लोग ये बोलते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे वो मुश्किल से 6 महीने भी साथ नहीं रहते। तो हंसकर कहने लगी तुम्हें बड़ी नॉलेज है, कितने फास्ट हो यार तुम, सब कुछ पहले से ही पता है। तो मैंने कहा नहीं, सोशल मीडिया की रियलिटी है ये। और मुस्कुराने लगा, तुम ही बताओ मैंने गलत बोला कुछ? तो इसने कहा नहीं, बात तो सही कही आपने। तो मैंने कहा इसीलिए मैं सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं लोगों के दिलों से, इसीलिए मैं यहाँ पर किसी से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखता। तो इसने कहा राइट, अच्छी बात करते हो तुम और अच्छे इंसान भी लगते हो। तो मैंने कहा थैंक यू। तो मैंने कहा क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं? तो मुस्कुरा कर कहने लगी क्यों जी, क्या करोगे? मैंने कहा अरे मैं भी तो देखूँ इतनी खूबसूरत लड़की की आवाज़ कितनी खूबसूरत होगी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ठीक है कर लेना, लेकिन बाद में। तो मैंने कहा बाद में कब? तो इसने कहा जब पास कोई नहीं होगा तब मैं खुद करूंगी। तो इसने कहा ओके थैंक्स। तो यहाँ पर देखो कितनी आसानी से इसको मैंने पहली ही चैट में इम्प्रेस कर दिया। किस तरह से? क्योंकि चैट करना आना होना चाहिए। देखो इंसान की जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम हर इम्पॉसिबल को हमको भी पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर नर्वसिंग है, छोटी छोटी बातों पर नर्वस हो जाते हैं, या दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते कि क्या बोलें क्या बात करें, तो हमसे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपने दिमाग से, अपने अंदर से नर्वसिंग निकालो और एक कॉन्फिडेंटल इंसान बनो। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हमारे लिए सब कुछ आसान होगा। तो देखो कितनी प्यारी मैंने इससे चैट की, और पहली चैट में इसको इम्प्रेस भी कर दिया, कॉल के लिए भी तैयार हो गई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट भी लिख देना, मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।